हेलो वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल में सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कवर करूंगा रिएक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी, मैकेनिज्म, साइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत सेलेक्टिव रेजेंट्स है, ये अल्काइन, अल्कीन, नाइट्रो, नाइट्राइल एस्टर ग्रुप को कभी रिड्यूस नहीं करता। ये डिफरेंस है LAH में, ये LAH सभी ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, बट ये एस्टर, नाइट्राइल और अल्कीन, अल्काइन ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में और सिंपल एल्डिहाइड को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट करता है 1 डिग्री में। इसमें ये स्पेशल वर्ड है, ये 1,4 एडिशन देता है। मीन्स अगर कंजुगेशन में अगर एस्टर ग्रुप है, साइनो ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है कंजुगेशन में डबल बॉन्ड में, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स और एल्डिहाइड है, तो ये 1,4 एडिशन ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक इसका पॉइंट ध्यान रखने वाला है। और 1,2 एडिशन सिर्फ एल्डिहाइड केस में देता है, और पहले अगर डबल बॉन्ड है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन एल्डिहाइड है तो 1,4 एडिशन देने के बाद फिर 1,2 एडिशन देता है। ये तो दोनों को रिड्यूस कर देगा जी अगर कंजुगेशन में है। और ये की डिफरेंस है, ये रिएक्ट बहुत स्लो करता है वाटर से एज़ कम्पेयर टू LAH, और अल्कोहल सॉल्वेंट भी रिएक्शन मिक्सचर के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में अल्कोहल सॉल्वेंट कभी यूज़ नहीं किया जा सकता और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है उसको। तो ये डिफरेंस है, की डिफरेंस है इसमें। और इसमें डीहैलोजिनेशन भी नहीं होती, तो आप हैलोजन आपके मॉलिक्यूल्स में है तो डीहैलोजिनेशन नहीं होगी। तो ये पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए हैं। और 1,4 एडिशन देखते हैं हम कैसे आगे देता है। तो ये मैकेनिज्म जो है सिमिलर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का है। चार हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है और बाद में वो हाइड्रोलिसिस होके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, जस्ट हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है इनमें कीटोन्स में और एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर 3 और कीटो ग्रुप होके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और ये देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है, एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर रहा है। और अब ये एल्डिहाइड में भी देखिए आप, यहाँ 1,2 एडिशन दे रहा है, यहाँ 1,4 एडिशन नहीं देता है एल्डिहाइड के केसेस में, बट कीटोन, एस्टर और साइनो के केसेस में ये 1,4 एडिशन देता है। ये सेम एज ए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसमें बल्कि ग्रुप होने के कारण यहाँ से अटैक नहीं होता, नीचे से अटैक होता है हाइड्राइड का, तो ये एक्सो बनता है। तो यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं है, 2 मेथिल ग्रुप है और यहाँ से अटैक पॉसिबल है। ये सेम पैटर्न फॉलो करता है जो जैसे LAH फॉलो करता है। आप उस वीडियो को देखिए, आप उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, साइक्लिक बाईसाइक्लिक भी, वो क्लियर हो जाएगा आपको। सेम पैटर्न में एक्ट करता है ये। और ये देखिए 1,4 एडिशंस का पैटर्न, यहाँ पहले 1,4 एडिशन दी फिर 1,2 एडिशन दी। अगर हम सीरियम क्लोराइड या इस तरह के लेंथेनाइड क्लोराइड यूज़ करेंगे तो ये एडिशन रुक जाती है। आप देखिए 1,2 एडिशन इसमें केस में ज़्यादा पॉसिबल है, 1,4 एडिशन इसमें पॉसिबल है। यहाँ की ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड को टच करता है, ये रिएक्शन करता है, और नाइट्रो और साइनो को तो एस्टर को टच करता ही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव एजेंट है ही नहीं है। सो यहाँ 1,4 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1,2। तो जब सीरियम क्लोराइड यूज़ कर देते हैं तो 1,2 ही एडिशन प्रोडक्ट बनता है, 1,4 प्रोडक्ट नहीं बनता। सिंपली आप रिएक्शन करोगे तो 1,4 प्रोडक्ट और 1,2 दोनों एडिशंस पॉसिबल हैं। यहाँ सिर्फ 1,2 एडिशन ही पॉसिबल है, 1,4 एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लेंथेनाइड का सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बढ़ती सीक्वेंस में बताया गया, यहाँ मोस्ट 1 डबल बॉन्ड रिडक्शन होगी, यहाँ लीस्ट
डबल बॉन्ड रिडक्शन होगी। यहाँ 1-2 एडिशन चांस ज़्यादा है, यहाँ 1-4 एडिशन चांस ज़्यादा है, यहाँ की जैसे एग्जांपल्स में दिखाया गया है। ये देखिए CO डिस्क्रिमिनेशन भी कर देता है, अगर सीरियम क्लोराइड वाटर NaBH4 यूज़ किया जाए तो ये लेस रिएक्टिव CO अंडरगो रिएक्शन करते हैं। तो इसमें ये आप देख सकते हो 1-2 एडिशन हुई है, यहाँ 1-4 एडिशन नहीं हुई, एक तो क्योंकि सीरम क्लोराइड यूज़ किया हुआ है। इसमें ये लेस रिएक्टिव ये है, मोस्ट रिएक्टिव ये है, ये लेस रिएक्टिव वाला रिएक्ट किया हुआ है। तो ये क्यों करता है, क्योंकि COH प्रोटेक्ट हो जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, जो कि सीरियम आयन उसको स्टेबल करता है उस कॉम्प्लेक्स को। तो ये एक की डिफरेंस है सोडियम बोरोहाइड्रेट की सिलेक्टिविटी का। और ये देखिए CN डबल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस कर देता है, जो कि शिप बेस से बनते हैं। और एक और एप्लीकेशन है इसकी, मर्कुरेशन के बाद अल्कीन्स को कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स में, तो ये मर्करी के सॉल्ट्स को भी रिड्यूस कर देता है। अब ये एक्टिवेट भी होता है कई रेजेंट्स के साथ, जिसमें ये रिडक्शन कर देता है। सिंपल सोडियम बोरोहाइड रिएक्शन नहीं करता, बट अगर सिंपल कॉपर सल्फेट करोगे आप तो नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड को सिर्फ रिडक्शन चाहिए आपको, बाकी कीटोन की रिडक्शन नहीं चाहिए, तो आप सोडियम बोरोहाइड्रेट प्लस निकल क्लोराइड यूज़ कर सकते हो। आप निकल बोराइड बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट प्लस निकल क्लोराइड को, तो ये एक्जाइम और ईथर को भी अमीन में कन्वर्ट करता है अगर सोडियम बोरोहाइड प्लस जिरकोनियम क्लोराइड कम्बिनेशन यूज़ किए। ये रिसेंट रिसर्च आर्टिकल में यूज़ होते हैं, जो कि कम्बिनेशन यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड प्लस जिंकोरियम क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट। नेक्ड सोडियम बोरोहाइड्रेट कभी भी इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता। सो आई थिंक ये ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन दी सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में। प्लीज़ लाइक कीजिए।